कोविड-19 के 6 मरीजों को स्वस्थ करने वाली डॉक्टर, नर्सिस और आउटसोर्स कर्मचारियों की टीम का आज हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मेडिकल कॉलेज परिसर में पहुंचे सभी 20 सदस्यों की टीम पर फूलों की बारिश की गई। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल अनिल चौहान, MS अनिल वर्मा के अलावा टीम इंचार्ज डॉक्टर संजीव भी मौजूद रहे। कोविड योद्धा बने डॉक्टरों की टीम पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन के द्वारा फूलों की बारिश के साथ स्वागत किए जाने पर टीम के सभी सदस्यों ने खुशी जाहिर की है। टीम इंचार्ज डॉक्टर संजीव ने कहा कि कोविड-19 के मरीजों का सफल इलाज करने के बाद आज मैं बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन के द्वारा दिए गए सम्मान को पाकर बहुत ही अच्छा लगा है और ये जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा है। उन्होंने बताया कि सभी के सहयोग से ये काम पूरा हो पाया है। ये मेरे जीवन का बहुत ही खूबसूरत अनुभव है सर। तो जो लगता है कि जो हमने किया उसका हमें फल मिला सर। बच्चों से दूर रहने की, परिवार से दूर रहने की पीस होती है सर। और कोरोना के मरीजों के साथ आप काम कर रहे हैं तो डर भी रहता है कि हम आगे कैसे करेंगे, पर उस सब के बावजूद हम सबकी सपोर्ट से, हमारे सीनियर अथॉरिटी के सपोर्ट से हम लोग ने उस काम को कर पाए। हम जब उस हॉस्पिटल के अंदर एंटर किए थे काफ़ी मुश्किल एक्सपीरियंस था, शॉर्ट नोटिस पे हमारे को एकदम जाना पड़ा, पर हमारे अथॉरिटी प्रिंसिपल साहब, MS साहब और हमारे सीनियर्स ने हमारे काफ़ी सपोर्ट किया। और शुरू की मुश्किलों के बाद जो है मेरे स्टाफ भी शुरू में काफ़ी डरे हुए थे, पर हम सब ने इकट्ठे मिलकर उस डर के ऊपर थोड़ी विजय पाई और धीरे धीरे हमने उसको ऑर्गेनाइज किया वहाँ पे सिस्टम को, और अभी काफ़ी हद तक हमने वो कर दिखाया। ड्यूटी से लौटी नर्सिस ने बताया कि बहुत अच्छा लगा है कि आज ड्यूटी पर लौटने पर हमारा स्वागत किया गया है। उन्होंने बताया कि कॉलेज प्रशासन के द्वारा हर कदम पर हमारा साथ दिया है, जिसकी वजह से ही आज वह कुशल दोबारा से ड्यूटी पर लौट पाई हैं। लग रहा है कि मरीज भी ठीक होकर गए अपने घर और हम भी ठीक ठाक हैं। सभी ने हमारा वेलकम किया, हमें बहुत खुशी हो रही है। अच्छा लग रहा है, जैसे यहाँ वेलकम किया हमारा तो बहुत अच्छा लग रहा है। और स्पेशल थैंक्स MS सर का, इन्होंने अजी फादर हमें वहाँ पे ट्रीट किया, कि सपोर्ट किया बहुत अच्छे से। फर्स्ट डे था तो हमें ऊपर लेके गए तो सर खुद छोड़ के आए वहाँ पे कि टेंशन नहीं, डरना नहीं है, ऑल द बेस्ट बोल के। तो हमें सब ने सपोर्ट किया, खासकर MS सर का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया, हमारे साथ खड़े रहे और वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वहीं मेडिकल कॉलेज के MS अनिल वर्मा ने बताया कि कोविड-19 के मरीजों के साथ समय बिताया है और इसी की वजह से कोविड-19 के मरीज स्वस्थ होकर गए हैं। उन्होंने बताया कि पहला बैच ने पूरी एहतियात रखते हुए कोविड-19 के समय में काम किया है, जो कि सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आज सभी टीम के सदस्यों का फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि कोविड-19 के 6 स्वस्थ हुए मरीजों ने भी ईमेल के माध्यम से डॉक्टरों का आभार जताया है। हमारा जो फर्स्ट बैच था, एक्चुअली ये हमारा जो भोटा हॉस्पिटल को जो इनको कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया, तो ये 11 अप्रैल से फंक्शनल है। और ये फर्स्ट बैच जो है इन्होंने पूरे 28 में 7 दिन इन्होंने ड्यूटी की है वार्ड के अंदर और 14 दिन ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहे हैं सर्किट हाउस में, और 7 दिन ये अपने घर में क्वारंटाइन करके अब ये वापस पहुँचे हैं। और इन्होंने एक निसंकोच और बिना भेदभाव के जो हमारे कोरोना के पेशेंट्स थे उनकी सेवाएं की हैं। हालांकि वो एसिम्टोमेटिक थे, कुछ लोगों में थोड़ा माइल्ड सिम्टम्स थे, और किसी तरह का डर ना रखते हुए निसंकोच ये हर हमारे जितने भी 6 पेशेंट्स जो है वापस गए हैं, उनका हमारे को फीडबैक आया है कि उन्होंने बोला है कि आपका जो जितना भी स्टाफ पोस्टेड था उन्होंने बिना डर के हमारी सेवाएं की हैं, किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम आई है उनको उसका निरावरण किया है, और वो खुश थे कि भाई इसी तरह की सेवाएं जो है बाकी सब जिलों में भी इसी तरह की सेवाएं मिलनी चाहिए कोरोना को। मनोबल तो हमारा तभी बढ़ गया था जब हमारे को मेल आया 6 पेशेंट्स के थ्रू कि भाई हमारे को भी मेल आई, हमारे प्रधानाचार्य महोदय को भी और सेक्रेटरी साहब को भी, डायरेक्टर साहब को भी, सबको मेल आई जो पेशेंट्स ने तारीफ़ की, उनको जो सेवाएं मिली उससे हमारा मनोबल काफ़ी बढ़ा। और आज हमने अपने स्टाफ का मनोबल बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम रखा है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा मुश्किल कार्य था। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला के भोटा स्थित चैरिटेबल अस्पताल में 6 कोविड-19 के पॉजिटिव मरीजों का इलाज मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की 20 सदस्यीय टीम के द्वारा किया गया है और 6 मरीज कुशल होकर अपने घर लौट गए हैं, जिस पर आज मेडिकल कॉलेज ने भी कोरोना योद्धाओं का फूलों की बारिश कर
जोरदार स्वागत किया है।